हेलो एवरीवन, वी हैव डॉक्टर भाग्य त्रिवेदी, रैंक 107, नीट 2020. भाग्य, मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स टू यू. थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? फीलिंग कैसी आई है रिजल्ट देखकर? सर एकदम एकदम सर, वो बता नहीं सकते कि कैसा लगता है जब रिजल्ट आता है तो। और इस बार तो सर थोड़ा ज़्यादा आ गया था 20 तारीख से पहले सर, तो पूरा का पूरा ऐसे ऐसे ही जा रहे थे और बीच में ऐसे रिजल्ट आ गया, तो मतलब मतलब हाथ शिवर कर रहे थे। लास्ट ईयर हाँ, कितना रैंक था भाग्य आपका? लास्ट ईयर सर अराउंड 7,000 फ्रॉम सेवन आसपास। थाउजेंड टू 107 रैंक. भाग्य, कौन सा बैच लगाया था आपने? रेगुलर बैच या कुछ और? यस सर, रेगुलर बैच रेगुलर बैच लगाया था लगाया था. सर। भाग्य, कैसा रहा क्लासेस का एक्सपीरियंस? यस सर, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सर इस एग्जाम से ही सर पता चलता है कि अगर शायद पेपर थोड़ा बहुत भी ट्विस्ट होता है तो जो हम ऐसे ऐसे अगर इनके रट्टा मार के जाएंगे पूरी की पूरी, अगर MCQ की बुक्स, तो सर कुछ कुछ फायदा होगा नहीं है. नहीं। कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो गए, वो सब कुछ क्लियर होगा तो ही सर कुछ। भाग्य जी, आपने क्लासेस अटेंड की मेडिकल और डेंटल की, तो जी सर, लगा कुछ फर्क है? जी सर, बहुत ही लगा, क्योंकि पहले सर सिर्फ पढ़ा था, अभी सर पता है ऐसा। ऐसा है. यस सर, कोई टीचर्स के नाम बताओगे जो आज भी याद हैं? यस सर, अंकित गुप्ता सर और गौरव वर्मा सर, वो वो दोनों। और मेडिकल सब्जेक्ट्स? और मेडिकल सब्जेक्ट्स में तो सर जनरल पैथोलॉजी के मैम ममता जावा मैम सर, उसने पूरा का पूरा जो हम जो सेकेंड ईयर में पढ़ा था, तो वो पूरा का पूरा उसने वो ही चेंज कर दिया कि नहीं, रियल सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट से प्यार होना स्टार्ट हो गया. यस ओके ओके. भाग्य, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एच एम क्लासेस जो देते हैं हम, उसके आपने अहमदाबाद में ज्वाइन किया था, यस सर, हम कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फेसबुक क्लब है, ऐप जी है, सर, टेस्ट हैं, मॉक्स हैं, टॉकेटिव ग्रैंड टेस्ट हैं, जी सर, तो क्या आपने क्लब वगैरह यूज़ किया था फेसबुक? यस सर, मैं फेसबुक क्लब में भी था, मैंने CBT भी दी थी सर। सीबीटी में कितना रैंक था आपका? सर CBT में मेरा 27th रैंक ट्वेंटी था सेवन सर। रैंक इन सीबीटी एंड ऑल इंडिया रैंक 107. भाग्य, कितने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन आपने? मैंने सर 231 अटेम्प्ट किए थे नीट आउट ऑफ में। 240. यस सर, सो अ हायर अटेम्प्ट, अगेन अ प्रूवन थिंग, यू नीड टू अटेम्प्ट मोर टू गेट अ गुड रैंक, टू गेट अ सेफ रैंक, बिकॉज वंस यू अटेम्प्ट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल बी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ रेस. तो हायर अटेम्प्ट तो मैं रखना ही है, मतलब एट्टी यस नाइन सर, 90% से ऊपर में अटेम्प्ट करना ही करना यस है. सर, क्योंकि बीच के एग्जाम में भी मैं यही यही सोच रहा था कि चलो पेपर तो बहुत टफ निकला है, तो अभी मैं रिस्क लूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करूँगा तो ही सर आगे रैंक आ आगे पाएगा। आगे रैंक आ यस, पाएगा. भाग्य, एम्स नवंबर में कितना रैंक था? एम्स नवंबर में मेरा 253 था टू सर। फिफ्टी थ्री रैंक. सो ही वॉज अप टू मार्क इन गेटिंग अ रैंक दिस ईयर फ्रॉम 7,000. तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ मच वर्क ही मस्ट हैव डन, हर कितना मेहनत किया होगा, कितनी लगन लगाई होगी. और लास्ट के जो एक महीना चलता है एग्जाम का, जो यस स्ट्रेस सर, होता है, जो नर्वसनेस होती है, उस टाइम कैसा लगा आपको? क्या आपने यस सर, पहले तो सर पूरा का पूरा ब्लैंक ही हो जाता है कि नहीं हो हम नहीं, पाएगा? हाँ नहीं हो पाएगा, कि इतना सारा अब ये जो 19 सब्जेक्ट है उसको कैसे इकट्ठा करें। हाँ, तो लेकिन सर अगर हम वो नहीं सोचते हैं और एक के बाद एक हम जो सब्जेक्ट है वो हम करते हैं तो सर काफ़ी काफी ज़्यादा। जगह. भाग्य, आपने टेस्ट रेगुलर दिए थे? सारे यस सर, टेस्ट टेस्ट रेगुलर रेगुलर देते दिए हैं। थे? यस सर, मैं देता था टॉकेटिव टेस्ट कुछ टेस्ट वगैरह रेगुलर। दिए थे आपने? नहीं सर, वो मैं नहीं दे पाया वो नहीं था, दे क्योंकि पाए? सर वो जो थियरी पोर्शन है वो मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाया था, तो मैंने उस पे फोकस किया था। लेकिन सर कहीं ना कहीं थोड़ा लगा कि टॉकेटिव अगर ग्रैंड टेस्ट देते तो देता तो सर शायद तक थोड़ा। वो वन यस जीरो सर, सेवन में कोई एक नंबर हट यस जाता, सर, या वन या जीरो या सेवन. या सर, ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्टिल दिस इज़ अ गुड रैंक. आई गेस यू मस्ट बी इन टॉप 5 इन गुजरात, एंड इट इज़ अ वेरी ग्रेट रैंक. कोई मैसेज आपने जूनियर्स को देना चाहोगे, कुछ भी? यस कि आप कोई आपने आपको भी। इंस्पायर किस तरह किया आपने? हाँ सर, मैं ये लास्ट 2 to 3 months तो पूरा का पूरा ये जो वीडियो है डैम्स MDS का, आप सर इंटरव्यू लेते हो, तो वो मैंने तीन तीन चार चार बार देखता था सर, कि मुझे वहां पहुंचना है. कि मुझे उधर पहुंचना है, मुझे सर के साथ फोटो खींचानी है, तो सर वही ज़्यादा रहा सर वही मेरे जा लिए। रहा. यस सर, कौन से कॉलेज से आपने BDS की थी? मैंने सर गांधीनगर कर्णावती से कर्णावती BDS आपने की थी BDS की सर। थी, एंड यू विल बी एंटरिंग GDC नाउ. यस सर, क्या आप कुछ और चीजें आप कुछ बोलना चाहोगे अपने जो आपके जूनियर्स वगैरह हैं? एक एक साल, क्योंकि अगले साल ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तो हाँ एक साल क्लासेस को अटेंड करना किस तरह, मिस करनी चाहिए, कुछ नहीं मिस करनी चाहिए,
लंबी रहती हैं, थोड़ा समय लगता है, क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ, क्लासेस तो वैसे पहले पहले आपको लगेगा कि ये सैटरडे संडे 8-8, 9-9 आवर्स है, लेकिन वो सब आपको लास्ट 1 मंथ में पता चलेगा कि वो सब जो पहले था, जो हमको हेक्टिक लगता था, वो क्या है अभी। और वो एग्जाम के क्योंकि अंदर वो चीज भी रिकॉल होती है। हाँ हाँ सर, और सबसे खास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसेप्ट, कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कोई भी सब्जेक्ट का और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो ही आप विद इन 30 सेकेंड्स और विद इन 60 सेकेंड्स आप रिकॉल कर पाते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कर पाते हैं। अब कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है? सर ओ एस में ओरल सर्जरी। सो भाग्य त्रिवेदी रैंक 107, रेगुलर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ डैम्स। भाग्य विश यू ऑल लक, विश यू ऑल सक्सेस इन योर फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।